तो दोस्तों कैसे आप सब लोग, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एक डीजो वॉच 2 के बारे में जिसका कि रिव्यू मैं करने वाला हूं। और यार कुछ समझदार लोग सोच रहे होंगे कि पहन तो बोट रखी है, तो हाँ भाई इस वीडियो के बाद में आपको एक और वीडियो बनेगा जहां पर डीजो वॉच 2 और बोट स्टॉर्म का जो वर्सेस होने वाला है तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले दोनों ही। और इस अगर इस वॉच का रिव्यू अनबॉक्सिंग यानी कि बोट स्टॉर्म का देखना चाहते हैं तो आई बटन में जाना, वहाँ लिंक मिल जाएगा और काफी मजेदार था, तो पानी में भी डुबो के दिखाया, देखना काफी मजा आएगा। अब चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में और जानते हैं क्या कुछ रहता है इस वॉच में। लेकिन उससे पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, आने वाली वीडियो तभी तो देख पाएंगे, और साथ में वीडियो को करना लाइक शेयर करना दोस्तों के साथ में। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं स्क्रीन पर आप डिब्बा जिसमें लिखा हुआ है डीजो वॉच 2 और यहाँ पर एक इसका वॉलपेपर जो बाय डिफॉल्ट आता है, और कुछ इस तरह की वॉच आपको देखने मिलती है। नीचे रियलमी की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है, रियलमी टेक लाइफ। और इसके बाद हम साइड चलते हैं तो साइड में काफ़ी सारे इसके जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस है, 10 डे बैटरी लाइफ है, और सबसे अच्छी बात है 100+ स्टाइलिश वॉच फेसेस आपको देखने में मिल जाते हैं इसमें, जो कि काफ़ी कमाल की चीज़ रहने वाली है, आगे बात करेंगे इस बारे में। ब्लड ऑक्सीमीटर वो मिल जाता है, और साथ ही इसमें आपको 15 स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाते हैं, जिसमें कि मैंने जो वॉच ली है बोट स्टॉर्म उसमें एक स्पोर्ट्स मोड अभी तक यूज़ नहीं करा है, हालांकि उसमें 9 मिलते हैं तो उसकी बातें बाद में करेंगे। और जो यार सबसे अच्छी बात है, हालांकि मुझे ना एक बड़ी स्क्रीन का ज़्यादा मज़ा होता है कि बड़ी स्क्रीन हो ज़्यादा मज़ा आएगा, तो वही चीज़ में देखने मिलती है इसमें, जो आपको 4.3 सेंटीमीटर यानी कि 1.69 की ब्राइट फुल टच स्क्रीन मिल जाती है। और बात करें बैक की तो बैक में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं और चलते हैं बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो भाई बॉक्स उल्टा हो गया है। और फाइनली हमारी जो वॉच है अब आ चुकी है आपके सामने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले जो इसके पट्टे की बात करें तो सिलिकॉन रबड़ वाला पट्टा मिल जाता है, जो कि आपको मतलब जैसे जैसे बांधते हैं ना तो जो आपके पसीना आता है उससे ये चिपकता नहीं है, और काफ़ी अच्छी और मुलायम एक तरह की फीलिंग यहाँ पर देता है। केस की बात करें बाहर के तो ये आपको मेटल में देखने मिलता है, साथ में आपको जो इसमें डिस्प्ले है जैसा कि मैंने आपको बताया 1.69 की मिल जाती है, और साइड में ये आपको कर्व देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर लुक इसको प्रोवाइड कर रही है। ऊपर की साइड यहाँ पर बात करें तो डीजो की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है, और चलते हैं बैक की साइड में तो बैक में काफ़ी सारे सेंसर्स यहाँ पर आपको देखने मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट जिसमें आप मैग्नेटिक चार्जर जो इसका आता है उसको यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी मोबाइल फ़ोन के अडैप्टर के साथ में। और एक और अच्छी बात, यहाँ पर आपका जो ये पट्टा है इसको आप रिमूवेबल है, इसको यहाँ से आगे की साइड खिसका कर इसको रिमूव कर सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं ऑनलाइन। कभी आपको मन हुआ कि हाँ मुझे ये पट्टा ब्लैक नहीं है, वाइट मंगा लेना चाहिए, या उस तरह का मंगा के लगभग 400 रुपये का ऑनलाइन मिलता है, वो मंगा के आप इसमें लगा सकते हैं। ऑन कर लेकर आपको कुछ नहीं करना, इस बटन को दबा के रखना ऑन हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इसका वॉलपेपर देख सकते हैं जिसमें कि आपको टाइम देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर स्टेप्स और कितनी कैलोरी आपने बर्न की है वो सब चीज़ें। हालांकि एक वॉच फेस है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको अगर हम स्वाइप करते हैं यहाँ पर राइट की साइड तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मोड मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पर है। इसमें आपको 5 ब्राइटनेस लेवल मिल जाते हैं, जैसे कि आप, मैं इसको फुल 5 पे रखता हूँ तो काफ़ी ब्राइट स्क्रीन हमें देखने मिल जाती है, बैटरी परसेंटेज देखने मिल जाते हैं इस साइड, और साथ में डेट भी और ब्लूटूथ का साइन ऊपर की तरफ। ये DND मोड है, ये आपका एक सेंसर होता है, यानी कि अगर मैं अपनी वॉच पहन के इसको जैसे हाथ को अपने मुंह के सामने ऐसे लाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये जो लाइट है ऑन हो जाएगी, मुझे टाइम दिखने लग जाएगा। साथ में यहाँ पर एक टॉर्च, जो कि इसमें आपकी जो डिस्प्ले है वो एक तरह की फ्लैश LED का काम करने लगेगी। और यहाँ पर सेटिंग का आपको शॉर्टकट दिया हुआ है, हालांकि आप अंदर से भी जा सकते हैं। साथ में बैटरी सेवर भी है, यानी कि अगर आपको लग रहा है कहीं आप बाहर गए हुए हैं आपकी बैटरी कम है तो इसको आप ऑन करके बैटरी सेवर भी यूज़ कर सकते हैं। DND मोड तो आपको पता ही होगा। अब स्वाइप करते हैं इसको नीचे की साइड, तो नीचे की साइड इसकी काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, और यहाँ पर ऊपर की साइड स्वाइप करें तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने मिल जाते हैं। साथ में वापस से यहाँ पर अगर मैं इसको लेफ्ट की साइड स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पर आपको अपनी जो स्टेप्स हैं या कितने किलोमीटर आपने चलाए, KCL यानी कि आपकी कैलोरी, वो सभी चीज़ें। अब आते हैं सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में काफ़ी सारे इसमें फीचर्स हैं, मतलब कि मज़ा ही आ गया। मुझे पर्सनली ये वो जो है काफ़ी पसंद आने लगी है। तो एक्टिविटी डाटा की यहाँ पर बात करते हैं, वो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। हार्ट रेट यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ में यहाँ पर मॉनिटर करती है ये वॉच। ऐसा नहीं है काफ़ी टाइम लगता है, आप इसको हार्ट रेट पर क्लिक करेंगे आपकी जो वॉच है कुछ ही सेकेंड में आपकी हार्ट रेट बताने लग जाएगी। स्लीप वगैरह, वर्कआउट, भाई हम नहीं करते हैं वर्कआउट, और यहाँ पर आपका रिकॉर्ड, अलार्म क्लॉक, साथ में वेदर भी आपको देखने मिलता है, स्टॉप वॉच भी आप बना सकते हैं, टाइमर, म्यूज़िक कंट्रोल आप इससे कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है तो म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में ब्रेथ ट्रेनिंग और फीमेल हेल्थ, ये हमारे किसी काम का नहीं है। फाइंड माय लोकेशन काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपका फ़ोन कनेक्ट है और कहीं रखा हुआ है आप भूल गए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोन है वो रिंग करने लगेगा। साथ में चलते हैं सेटिंग में, तो यहाँ पर आप जो
यहाँ पर आप वॉच फेसेस देख सकते हैं जो मैंने चेंज किए थे, उनको रिसेंटली यहीं से ही मैं चेंज कर सकता हूँ, मुझे फ़ोन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इस तरह का देखिए कुछ मेरा जो फेस है वो चेंज हो जाएगा। साथ में आता है स्क्रीन टाइम पे, तो स्क्रीन टाइम भी आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे 5 सेकंड अगर कम लग रहा है तो मैक्स 25 सेकंड तक मैं इसको कंट्रोल करके रख सकता हूँ, तो 25 सेकंड अभी कर देते हैं, जल्दी जल्दी बंद हो रही है। इसका मेन्यू स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, लिस्ट स्टाइल अभी मैंने किया हुआ है, तो बैक आ जाते हैं वापस से। और ये यार इस बटन से होम पे आ रही है, पता नहीं क्यों बैक आनी चाहिए लेकिन इस बटन को प्रेस करते ही वापस से होम पे आ जा रही है। वाइब्रेशन इंटेंसिटी आप भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि अक्सर वॉचेस में देखने के लिए मिलता, जो कि इस रेंज में होती हैं, राइज टू वेक। और ये तो बाहर ही आपको देखने को मिल जाता है। लैंग्वेज और बैटरी यहाँ पर क्यू आर कोड के जरिए भी आप इसको कनेक्ट करते हैं। शट डाउन, रीसेट और अबाउट में इसकी जो फर्मवेयर होता है वो अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं मोबाइल के साथ में कैसी दिखती है। और एप्लीकेशन पे जाने से पहले एक चीज़ और बता दूं मैं इसकी बैटरी के बारे में, तो बैटरी आप इसको 1 घंटे 80 मिनट में चार्ज कर सकते हैं फुल, और ये उसके बाद में आपको लगभग 10 दिन का जो रेगुलर बैकअप देने वाली है, और जो स्टैंडबेरी बैकअप है इसका 20 डेज का है। तो भाई बैटरी बैकअप अच्छा है काफ़ी। अब चलते हैं इसके एप्लीकेशन पर, डीजो के एप्लीकेशन से मैंने कनेक्ट किया हुआ इसको। तो यहाँ पर एक अच्छी बात ये रहती है कि मैं चलता हूँ प्रोफाइल में, तो यहाँ पर प्रोफाइल मेरी बनी हुई है। टारगेट यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, यूनिट, टाइम, फॉर्मेट क्या चाहिए आपको, वो सभी चीज़ें। और अच्छी बात को बाद में बताऊंगा, मुझे पता है, मेरे को याद है। हार्ट रेट यहाँ पर आपकी दिखा रहा है, SPO2 आपको यहाँ पर दिख जाएगा। एक्सरसाइज कोई नहीं की है मैंने, और स्लीप रात को उतार के रख दी थी, और यहाँ पर बाकी की चीज़ें। अब चलते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज में और डिवाइस में। तो डिवाइस में सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्टेड है मेरी वॉच, अलार्म यहाँ है, फाइंड माय डिवाइस है, और डायल गैलरी में अगर मैं चलता हूँ तो भाई डायल सेंटर में आप देख सकते हैं इसके जो वॉच फेसेस हैं वो नीचे की साइड 100 से भी ज़्यादा हैं। मतलब ये इसका, इसको कर देते हैं यहाँ पर सेट, तो मतलब मज़ा आ जाता है इतने सारे डायल फेस के में, आप कभी बोर नहीं होने वाले। और होने आने वाली अपडेट में हो सकता है ये इसको और यहाँ पर ऐड करते जाएं तो कभी भी आप बोर नहीं होंगे इसमें, आप रोज़ नया डायल से। तो अभी मैंने यहाँ पर जो फेस था उसको चेंज किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो चेंज हो गया। इसी तरीके से आप कोई भी यहाँ पर वॉच फेसेस सेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। माई डायल में जाकर आप यहाँ पर जो आपने अभी सेट किया वो आपको दिखने लगेगा। अगर यहाँ जाते हैं तो टैक्स स्टाइल वगैरह वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड पिक्चर यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे मेरा मन है मुझे अपना फोटो लगाना है इस फॉर्मेट में, वो आप चीज़ें सेट कर सकते हैं। इसके साथ में आपको फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के साथ में आपको जो पिक्चर है आप अपने लगा पाएंगे, इसके साथ नहीं लगा पाएंगे। और यहाँ पर टाइम, लोकेशन कहाँ रखनी है आपको, टॉप में रखनी है, कहाँ रखनी है, वो सब चीज़ें सेट कर सकते हैं। यानी कि कस्टमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है इसमें और काफ़ी अच्छी है। और वापस से चलते हैं बैक में, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात एक और, कैमरा कंट्रोल आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसका कैमरा ओपन कर दूँगा इससे मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर सकता हूँ, तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई ये। कॉल रिमाइंडर साथ में इसमें, नोटिफिकेशन रिमाइंडर वो तो मिल ही जाता है, और बाकी के बेसिक रिमाइंडर, और साथ में आपको ड्रिंकिंग रिमाइंडर भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसको भी आप यूज़ सकते हैं। हाँ, मुझे हर एक घंटे में पानी पीना है, मेरे जो बॉडी में पानी की कमी हो रही है, वो सब चीज़ें, हेल्थ मॉनिटर, और यहाँ पर आप जो अपडेट वगैरह वो चीज़। कनेक्ट करना बहुत सिंपल है, या तो ब्लूटूथ के जरिए आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको QR कोड के जरिए कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे आप QR कोड स्कैन कर पाएंगे और उसके ज़रिए आप इसको अपग्रेड कर कनेक्ट कर लेंगे। बात करें थोड़ी सी इंटरफेस के बारे में, तो यार वॉच के इंटरफेस के साथ साथ एप्लीकेशन का इंटरफेस भी काफ़ी ईजी है, ईजी टू यूज़ है। यानी कि कोई भी नया बंदा चलाएगा तो उसको समझ आ जाएगा सारी चीज़ें कहाँ पर रहने वाली है, कहाँ से क्या कुछ करना है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अंदर छिपा कर रखा हो या ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हो, और सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल ऑन दी गो हैं। आप डिवाइस में जाकर सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, होम पर जाकर सारी डिटेल्स देख सकते हैं क्या कुछ चल रही हैं, और यहाँ पर जाकर अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं जो भी आपको रखनी है। सेटिंग्स में जाकर इसमें आपके कुछ अबाउट वगैरह वो चीज़ें, हालांकि इसकी सेटिंग सारी बाहर हैं, आपको अंदर इतना कुछ नहीं मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छी मुझे वॉच लगी है। ये जो वॉच थी मैंने 2300 रुपये में यहाँ परचेज़ किया है, अभी 3000 रुपये में चल रही है सेल में, मैंने यहाँ पर मंगाई थी। और भाई वॉच, जैसा कि एक और चीज़ मैं बताने भूल गया आपको, 5 ATM वाटर प्रूफ है, यानी कि 50 मीटर तक आप इसको वाटर में डेप कर सकते हैं, इसके बाद भी इसमें जो पानी है वो नहीं जाएगा। और पता नहीं क्यों मैंने एक या दो जगह देखा था इसमें जो वाटर प्रूफ की जो डेप्थ थी वो बताई हुई थी 1.5 मीटर, वो बिल्कुल गलत थी, मुझे भी डाउट हुआ। लेकिन इसका जो 5 ATM है तो यानी कि 50 मीटर तक इसको आप डुबा सकते हैं। और अभी की बात करें, ये वॉच आपको 3000 रुपये में मिली है बिना किसी सेल के, 4000 में वॉच आई थी। 3000 काफ़ी अच्छे प्राइस हैं, 2300 में होती तो बहुत अच्छे प्राइस हैं। और सच में बताऊँ मुझे वॉच काफ़ी पसंद आई है 2300 रुपये में। और आने वाले वीडियो में कंपैरिजन करेंगे और मैं बताऊंगा कि इस वॉच में क्या एक्स्ट्रा मिलता है और मैं क्यों इतनी इसको पसंद कर रहा हूँ इस बारे में। तो वीडियो करते हैं यहाँ पर ख़त्म, और जल्दी से वीडियो करें लाइक, शेयर करें दोस्तों के साथ में, साथ में चैनल पर नए तो चैनल करना सब्सक्राइब।
ये क्यों बोलना, इसका तो एंड बना दिया ना। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा रिव्यू डीजो वॉच 2 के बारे में, और जो कुछ भी था यानी कि फीचर वगैरह और लुक डिजाइन वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं, प्राइसिंग वगैरह वो सभी भी। अब जल्दी से चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आने वाला जो वर्सेस है वो भी तो देखना है आपको, और वीडियो को करिए लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ में, और चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।